नमस्कार, मैं किरण मेहता जयलक्ष्मी सिलाई केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्यूलॉट्स बनाना बताऊंगी। आप इस वीडियो को आज हम आपको क्यूलॉट बनाना बताएंगे। क्यूलॉट जो है लगभग देखने में प्लाजो जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमारा नीचे मोड़ने की जगह है उस पर हम इस तरह करके एक चौक से निशान लगाएंगे। ये देखिए, अभी इसमें मैं व्हाइट कलर से लगा रही हूँ तो ये देखिए व्हाइट धारियाँ हैं। अभी मैं पिंक से लगा रही हूँ तो पिंक भी इसके अंदर है, और क्रीम से लगा रही हूँ तो क्रीम इतना दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ जहाँ ये देखिए दिख जाएगा इससे आपको। ये देखिए, पहले हमने इस तरह करके मोड़ने का इस तरह निशान लगाया, और लगाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारी तैयार जो है 34 लंबाई है। ये देखिए, ये हमारी 34 लंबाई है। तो हमने अपनी जो 34 लंबाई है उसमें भी इस प्रकार निशान लगा लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतने कपड़े को अलग कर लेंगे। ये तो हमने कपड़े की लंबाई ले ली। अब हमें चौड़ाई में जो है ये 32 हिप का है, तो 32 का आधा हमें लेना है कपड़ा। तो देखिए 32 का आधा हमारे पास 16 आया, तो हम क्या करेंगे, 16 के आधे पे निशान लगाएंगे 8। 16 का आधा 8, ये देखिए ये लगाई, और यहाँ पे ये 16 का आधा 8, ऐसे करके हम ये पूरी एक इस तरह करके लाइन डाल देंगे। ये देखिए डाल दी हमने, दिख नहीं रही है लेकिन ये मैं आपको अभी और डिटेल से बताऊंगी। ये देखिए एक पूरी लाइन बीच बीच डाल दी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हिप जो हमारी है उसको जो है 3 से भाग करेंगे और 2 बढ़ाएंगे। तो ये देखिए हमने हिप को 3 से भाग करके 2 बढ़ा के एक यहाँ भी लाइन लगा दी। ये देखिए ये लगा दी हमने। उसके बाद अब हम अपना जो है हिप की चौड़ाई लेंगे, जितनी हिप है उसको हम 3 से भाग करेंगे और 2 बढ़ाएंगे, तो हमारे पास 10 जमा 2 12 आता है। ये देखिए ये ले लिया हमने, और लेके इसको इस तरह तिरछा, ये देखिए यहाँ से ये तिरछा ले लिया, ये लिया, और इस जगह से यहाँ तिरछा लिया, ये ले लिया, और लेके इसमें से 2 इंच कम कर देंगे। ये हमने कम कर दिया, और करके ये गोलाई काट देंगे और इसको इस तिरछेपन को ऊपर तक मिला देंगे। अब हम इसे काटेंगे। ये हमने काट लिया, अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे और फिर मैं सिलते हुए आपको दिखाती हूँ। कटिंग तो हमने कर ली है, अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। सिलने के लिए ये देखिए हम पहले इस साइड से सिलेंगे, और फिर ये देखिए ये वाली साइड से सिलेंगे, और सिलने के बाद इसका ये नीचे से इस प्रकार जो हमारी लंबाई से एक्स्ट्रा है वो मोड़ देंगे। फिर मोड़ने के बाद ये देखिए एक साइड का मैंने सिल रखा है, ये देखिए मैंने इधर सिया और इधर सिल लिया, और ये देखिए नीचे से मोड़ दिया। ये देखिए अब मोड़ने के बाद क्या करना है, हमें इसे इस प्रकार सीधा करना है। ये देखिए सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद जब ये दोनों सीधे हो जाएंगे, तो सीधा करने के बाद इन दोनों आसन को यहाँ से मिला के इधर और इधर सिल देंगे। सिलने के बाद फिर इसकी बेल्ट बनेगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने दोनों आसन पकड़े, आधा इधर सिल दिया और ये देखिए आधा इधर सिल दिया। सिलने के बाद ये देखिए ये इस जगह से ऐसे मिल गया, और मिलने के बाद मैंने ये देखिए इस तरह ही तैयार हुआ। तैयार होने के बाद हमें क्या करना है, एक इस तरह करके 3 इंच की पट्टी देखी मैंने काटी, और काट के मैंने उल्टी साइड से रख के सीधी तरफ पलट दी। ये देखिए, और इसका ये जो जोड़ है ये देखिए ये आगे की तरफ कर दिया, पीछे से तो मैंने रखी और आगे को पलटी। पलटने के बाद इसके अंदर मैंने ये देखिए एक एक ये गैप बनाया है, एक ये गैप बनाया, एक ये गैप बनाया है। ये देखिए 3 गैप से बना दिए, जिनमें हमारी ये देखिए एक ये है, एक ये देखिए, और एक ये देखिए। तो तीनों में हमारी इलास्टिक नहीं जाएगी, इसमें और इसमें तो हमारी इलास्टिक जाएगी, और इसके अंदर हमारी ये बेल्ट जाएगी। ये देखिए मैंने इस तरह की एक बेल्ट बना के रखी है। ये देखिए ये बेल्ट मैं इसे किसी पिन की या सुई की सहायता से इसको इस तरह डालूंगी,
और ये यहाँ पे कमर पे बंधेगी, और इसमें मैं लास्टिक डालूंगी, जितनी कमर का मेजरमेंट है 26 कमर है तो लगभग मैं 24 24 इंच के दोनों में, ये देखिए इतनी पतली वाली लास्टिक डालूंगी, ये पतली वाली जो इसमें ये आराम से चली जाए, ये देखिए। तो मैं अभी आपको डाल के इसके दिखाती अंदर हूँ। मैंने कमर में 26 कमर थी तो मैंने देखिए 12 12 इंच के, 12 दूनी 24, 24 24 इंच के दो लास्टिक डाले, एक तो ये डाला और एक मैंने ये देखिए ये डाला, ये दो मैंने लास्टिक डाले हैं। ये अब इसके अंदर कवर हो गए हैं, ये देखिए पहनते समय भी ये देखिए कोई खा ये दिखो दिखेंगे नहीं, मैंने पूरा लास्टिक खींच दिया है तब भी नहीं दिख रहे, क्योंकि ये इसी तरह बंद हुए हैं कि ये अब खींच दिखेंगे नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ऊपर और नीचे लास्टिक डाली, और ये देखिए बीच में मैंने ये जो अपनी बेल्ट बनाई थी ये डाल दिया। जब ये बेल्ट के जो सिरे हैं इसमें एक मोती डाल लीजिए, और मोती डाल के एक इस तरह करके गांठ मार दो, जिससे कि वो मोती निकलेगा नहीं। और मोती आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी डालें, और अगर ना भी डालना हो तो ये ऐसे ही पूरा सही है, बस आप एक इसके नीचे इस तरह गांठ सी लगा लें जिससे कि इसका ये किनारा दब जाए। ये देखिए ये इस तरह एक गांठ सी लग जाएगी तो ये अच्छा अच्छा भी लगेगा, और इसका ये धागा धुगा वगैरह भी नहीं निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फिर बाद में इस प्रकार एक फूल बना दें, पहनते समय जब आप पहने अपने हिसाब से टाइट कर लें और इस तरह करके एक फूल बना दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो आसन है ये बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये ऊपर बिल्कुल कमर तक बनते हैं, ये बहुत छोटे हो जाएंगे तो नीचे रहेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी शेप देखिए कितनी सुंदर आई है, ये देखिए इधर से भी वी शेप आई है और आगे से भी वी शेप आई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।